जहां एक ओर केवल परिवार के साथ नए कपड़े परिधान और मिठाई पटाखों के साथ लोग दिवाली मनाते हैं और पारिवारिक खुशियां बटोरते हैं, ऐसे समय में यूथ ऑफ सौसर एसोसिएशन के द्वारा सौसर नगर में एकमात्र निशुल्क कपड़ा बैंक की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से गरीबों को कपड़े मिठाई तथा उनके साथ मिलकर पटाखे जलाकर दिवाली मनाई जाती है। संस्था के सदस्य ग्रामीण अंचल में जाकर प्रतिवर्ष कपड़े व मिठाई बांटकर मनाते हैं। दीपावली के दिन ग्राम पंचायत घडलेमाल में सरपंच, पूर्व सरपंच, सचिव, संस्था के अध्यक्ष योगेश सोमकुवर, उपाध्यक्ष गोपाल कोठे, सभी सदस्य तथा शिक्षक चंद्रशेखर जयवा, नीलेश गाड़के और कई लोग उपस्थित थे। इन सभी की उपस्थिति में साड़ी, ट्राउजर, जीन्स, पैंट, लड़कियों के लिए सूट, कुर्ते, छोटे बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल और खिलौने बांटे गए। ये पहल सबके लिए प्रेरणा का काम कर रही है। सभी सामाजिक संगठन इस पहल को लेकर काम कर रहे हैं। यूथ ऑफ सौसर एसोसिएशन की किसी भी सोशल एक्टिविटी में आप भी हिस्सा लेकर इन खुशियों में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी इस वक्त दी गई। दिवाली के अवसर पे मैं सभी घड़ेला वासियों को और यहाँ पे बच्चों बच्चियों को यूथ ऑफ सौसर की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। दिवाली के इस शुभ अवसर पर सभी ग्राम घड़ेला वासियों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, यूथ ऑफ सौसर एसोसिएशन की तरफ से शुभकामनाएं। हम सभी लोग यहाँ पर आकर कपड़े, मिठाइयाँ और अन्य अन्य प्रकार के चीज़ें बांटी और इनके बीच में खुशियाँ बटोरी, काफ़ी अच्छा लगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने यह कार्यक्रम किया और आगे भी करते रहे। ग्राम पंचायत सरपंच यूथ ऑफ सौसर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे गांव में आके गाँववासियों को कपड़े बांटे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी उजाला न्यूज के लिए सौसर से चेतन साहू की रिपोर्ट।